सवाल कौन पूछ सर ये है भाई 30 मिनट्स की बात करें सर, जब आपको से स्क्रिप्ट आई जी और 30 मिनट टकला तब क्या रिएक्शन था? जब स्क्रिप्ट आई यशु जी ने स्क्रिप्ट सुनाई, स्टोरी सुनाई तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कॉन्सेप्ट। और 30 मिनट्स टाइटल सुनकर तो मुझे तो आई लव द टाइटल 30 मिनट्स, क्योंकि एक ऐसा टाइटल है जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक ऐसा टाइटल आया नहीं है और थोड़ा कैचिंग है, कंफ्यूजिंग है, लोगों को समझ नहीं आती यार ये क्या टाइटल हुआ 30 मिनट्स। तो ऐसे रिएक्शन भी अच्छे होते हैं, स्माइल वाले रिएक्शन भी अच्छे होते हैं, तो दोनों हमको बहुत अच्छा लगा। कि आप तो भाई हो, आप तो जी पिताजी भी है तब पापा। जब यशु जी आए उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई, हमको बताया फादर ऐसे ऐसे ऐसे, तब आई थिंक यशु जी के दिमाग में क्लिक नहीं हुआ कि मैं डैडी को लूँ। तो हमारी कुछ बात हो रही थी तो मैंने कहा आप किसी को क्यों ढूंढ रहे हैं, डैड को लीजिए। तो इमीडिएटली वो मान गए, उन्होंने कहा यार ये तो इससे अच्छा आइडिया हमको आया नहीं कि हम अंकल को ले लेते हैं। तो फिर अंकल मतलब उनके अंकल मेरे तो फिर इमीडिएटली डैड को फिर उन्होंने साइन करवा लिया। डैड को सुनाई स्टोरी, डैड को भी बहुत अच्छी लगी। सर आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि एक तो 30 मिनट बड़ा कॉमनली लाइफ में यूज़ होने वाला लफ्ज़ है। कहीं भी कोई बात होती है तो यार मैं 30 मिनट में आता हूँ, मैं आधे घंटे में आता हूँ, या आजकल रेडियो पे भी बड़ा प्रोग्राम्स आ रहे हैं 30 मिनट्स नॉन स्टॉप गाने वगैरह वगैरह। सो और टाइटल कैची लगा बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि 30 मिनट सुनते जिज्ञासा होती है कि क्या है, क्यों है, क्या व्हाट डज इट मीन। तो टाइटल के साथ साथ यशु जी ने जब मुझे सब्जेक्ट सुनाया तो सब्जेक्ट में बहुत दम था, उसमें जो कहानी का बेस और जो एक ट्रू इंसिडेंट को लेके इन्होंने कहानी डेवलप की थी बहुत मज़ेदार थी। फिर बात आई मेरे रोल की, तो एक साइकिक कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जो मेरे लिए बहुत परफॉर्म करने के लिए बड़ा चैलेंजिंग, बड़ा अलग था। और काफ़ी सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग तरह के रोल बने करूँ, वो चाहे बहुत लंबे ना भी हों लेकिन उनके एक सीन से ही उनकी गंभीरता, उनकी पोटेंसी पता लग जाए। तो बहुत अच्छा रोल था, तो जैसे ही इन्होंने मुझे ऑफ़र की तो मेरे लिए और क्या चाहिए था, एक कलाकार को अच्छा रोल मिले उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो मैंने इमीडिएटली हाँ की। और फिर सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब हमने शूट किया तो शूट भी उसी लेवल से हुआ, उसी सिंसियरिटी से हुआ, उसी सीरियसनेस के साथ हुआ। और उसका इम्पैक्ट कहानी में ऐसा आया है कि जो यशु जी सोच रहे थे शायद मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी सोच से भी ज़्यादा बेटर आया। हम दोनों के कैरेक्टर बाप बेटा के जो हमने प्ले किया है और जो हितेन ने भी कैरेक्टर किया है बड़ा संभल के किया है। और नेगेटिव कैरेक्टर होने के बावजूद ऑडियंस की सिंपैथी इस कैरेक्टर से मिलेगी, उन्हें ये कन्विंसिंग लगेगा कि हाय हाय बेचारे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा हम दोनों का और मज़ा आया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वालों को भी इस फिल्म में वही मज़ा आएगा जो हमने करते वक्त लिया, उन्हें देखने में मज़ा आएगा, उनको पसंद आएगी। क्या है कहानी? बेसिकली कहानी एक लड़के के बारे में है जो बचपन में उसके फादर ने उसे बहुत टॉर्चर किया है टाइम की अहमियत को समझने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। और वो चीज़ अपने बेटे को समझाते हैं कि टाइम की अहमियत को समझो, वैल्यू बहुत टॉर्चर करते हैं, उसको मारते हैं, उसका सर रेल की पटरी पर रखते हैं उसको डराने के लिए कि देख अगर मैं 1 सेकंड लेट तेरा सर उठाऊंगा तो तेरे ऊपर से ट्रेन चली जाएगी, इस तरह का वो समय। तो लड़का काफ़ी इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का उस लड़के पर। बट थोड़ा वक्त गुजरता है, नॉर्मल होता है, लड़का काम पे जाता है, एक लड़की से मिलता है, अफेयर होता है एक लड़की के साथ। बट ड्यूरिंग दैट टाइम एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है इसके साथ जहाँ पे वो सैनिटी और इंसैनिटी के एज पे आ जाता है कि मतलब वो कुछ भी कर सकता है, उसको खुद को नहीं पता। एंड उस चीज़ को ठीक करने के लिए, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए वो एक गेम खेलता है इस फिल्म में जिसका नाम है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स द गेम। तो इसलिए वो टाइटल भी है 30 मिनट्स। एंड फिर आगे क्या होता है ज़्यादा मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा बिकॉज थ्रिलर है उसका। मैं कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं अगर बता दूंगा तो फिल्म देखने का मज़ा नहीं आएगा। बट इस तरह की एक स्टोरी बेसिकली फादर सन के रिलेशन की, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यू नो कुछ सिखाने के लिए एनफोर्स करते हैं, डराते हैं उन्हें, वो उनको नहीं करना चाहिए, और उसके इफ़ेक्ट्स शायद आगे जाके साइकोलॉजिकली वो बच्चे के ऊपर क्या पढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है। तो संगीत गाने इसमें आई थिंक 4 हैं, नहीं 5 गाने हैं, 5 गाने इसमें 6, हाँ बट एक फिल्म में नहीं है, 6 गाने हैं। अलग अलग म्यूजिशंस ने किया, अलग अलग सिंगर्स हैं। हमारे बॉलीवुड के काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगरों ने गाया है। आशा जी हैं, शान है, कुराल गांजा वाला है, और म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक बहुत मेलोडियस म्यूजिक। सर ने आई थिंक कुछ 500-1000 गाने सुनने के बाद ये गाने सेलेक्ट किए। और पर्सनली जब मैंने गाने सुने, जो मैंने शूट किए गाने, मतलब 1-2 तो ऐसे हैं कि वो हर बार मैं सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी वर्डिंग्स ऐसे ना दैट हर इंसान वो गानों से रिलेट करेगा। सर, इस फिल्म के होने के बाद कभी क्या रियल लाइफ में आप पे इम्पैक्ट पड़ा है अपने बेटे के साथ में, या कभी कुछ? नहीं, मैं ये कहूँगा कि मेरा बेटा एक प्रोफेशनल एक्टर है, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, और जब हम सेट पे जाते हैं, लाइट्स और कैमरे के सामने जाते हैं, तो फिर हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम एक्टर बन के एक दूसरे के साथ काम करते हैं। उसमें पर्सनल बाप बेटा हम वहाँ नहीं हैं। जब हम घर पे आते हैं तो हम बाप बेटा हैं, हम वो कैमरे वाले एक्टर नहीं हैं। सो हम दोनों इतने प्रोफेशनल हैं कि हमें मालूम है कि क्या कैमरे के सामने क्या रिलेशन रखना है और कैमरे के बाद क्या रिलेशन रखना है। सो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर सेट पे 2 एक्टर थे। हाँ, कैमरा जब आप कट बोल देते हैं तो बाप बेटा हो जाते हैं, लेकिन जहाँ कैमरा ऑन होता है वहाँ पर इसका बाप हूँ मैं, लेकिन वो फिल्मी बाप हूँ, वो कैरेक्टर हूँ, वो असल में नहीं हूँ। तो हम लोगों का प्रोफेशनलिज्म इतना है कि हम लोग वो दायरा और वो लाइन को समझते हैं। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली मैंने बहुत जगह भी ये बात बताई है कि वो इतने 45 ईयर्स से ज़्यादा हो गए उनको काम करते हुए, तो वो एक बहुत एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एक्टर हैं। तो उनके साथ जब मैंने काम किया तो आई थिंक कोई और भी होता मेरी जगह, अगर कोई न्यू कमर भी होता, तो वो उस बंदे को इतना कंफर्टेबल फील करा देते हैं कि आपको पता नहीं, आई डोंट नो कैसा है, बट हमको तो लगता था कि हम शूटिंग नहीं कर रहे, यू नो, मतलब एक वो फीलिंग। एक तो फादर सन है तो एक केमिस्ट्री ऑलरेडी है, एक रिलेशन है। बट जब जैसे गाइड ने कहा कैमरा ऑन हुआ तो हम अपने अपने कैरेक्टर्स में चले गए, बट वो एक कंफर्ट लेवल आपस में था कि गिव एंड टेक रिलेशन जो एक फादर सन का होता है वो बहुत इजी था। तो हिचकिचाहट या कुछ ऐसा कुछ आई डोंट थिंक प्रॉब्लम हुई। और दूसरा वो शायद घबरा गए होंगे मेरे साथ काम करते हुए। बट दूसरा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि अगर अच्छा एक्टर होता है और अगर वो अपने कैरेक्टर को समझ लेता है तो एक्टिंग करते वक्त फिर वो कैरेक्टर बन के जब पेश आता है तो फिर नर्वसनेस की जगह नहीं होती। नर्वसनेस वो लोग होते हैं जो कैरेक्टर में नहीं होते। जब आप कैरेक्टर में आ गए हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं। शायद हो, और वो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि लोगों ने जैसे डैड को हमेशा देखा है कॉमेडी रोल्स करते हुए, मुझे भी मोस्टली कॉमेडी करते हुए देखा है लोगों ने। और ये एक बहुत ही सीरियस और सर्टन प्लेसेस में बहुत डार्क फिल्म है, इंटेंस, बहुत इंटेंस है। तो शायद आई एम होपिंग कि हो, इमेज चेंज हो। टाइम नेवर एंड्स, आप मानते हो कि टाइम नेवर एंड्स? ऑफ कोर्स टाइम नेवर एंड्स, और वेट्स भी नहीं, टाइम डजंट वेट, टाइम नेवर एंड्स। टाइम की हम लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, टाइम को सब लोग। हम आई थिंक इंडिया में तो स्पेशली कोई टाइम पे आता ही नहीं, सब तो 5 से 10 से आधा घंटा तो लोग लेट होते ही होते हैं, लेट होते ही हैं। तो हाँ, टाइम डजंट वेट, और वो तो 100%। और दूसरा ये भी है कि हमारे इस फिल्म में एक बड़ा अच्छा मैसेज है इनडायरेक्टली कि टाइम की अहमियत को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग टाइम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। हर इंसान, जैसे वेस्ट में वो टाइम के बड़े पाबंद हैं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम टाइम के पाबंद हो जाएं ताकि हमारा जो भी आउटपुट है काम में वो डबल हो जाए। हम लोग बड़ा इजी लेते हैं, अच्छा कल मिलते हैं 9 बजे, अच्छा 9 बजे बोला तो 9:30 भी पहुंचेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो एटीट्यूड है ये गलत है। उससे ये भी होता है कि अगर आपने मुझे 9 बजे का टाइम दिया है तो मुझे आपके टाइम की वैल्यू करके 9 बजे पहुंचना चाहिए। वो एक मैसेज इस फिल्म में बड़ा अच्छा है। एंड आई एम श्योर कि ये फिल्म की रिलीज होने के बाद जब ऑडियंसेस और लोग देखेंगे इस फिल्म को, वो 100% जब भी किसी को बोलेंगे ना मैं 30 मिनट में आता हूँ, दे विल रिमेंबर दिस फिल्म। आई गारंटी इट। इतना फिल्म देखने के बाद कोई 30 मिनट बोलने से पहले तो 1-2 बार घबराएगा कि अच्छा बोलो कि नहीं बोलो। पिज्जा वाले शायद कहते हैं क्योंकि वो 30 मिनट में आ जाते हैं, वो लोग तो आते ही हैं। थैंक यू। मुझे लगा सलमान खान बोलेंगे भाई, मुझे लगा सलमान खान बोलेंगे। कुछ नाम बंद निकलवाओ। नहीं नाम बंद निकलवाओ। ओके बस मैं एक बार हट रहा हूँ, ये फुटेज ले रही थी मैं पीछे रुक गया हूँ। हाँ हो गया।